क्योंकि फासलों को कम करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। जिस घर में रिश्तों के लिए प्यार और इज्जत ना हो वो घर खाली नहीं तो और क्या लगेगा। आपके बेटे ने सिमरन को SMS किया कि सिमरन जिम्मेदार है उसका घर तोड़ने के लिए। पहले तो आपसे ये कहने की हिम्मत की कि किरण के साथ उसका बेहुदा रिश्ता आपके साथ रहते हुए भी चलते रहने देना चाहता है। तुम्हारी वजह से ही अभी के पापा अपना घर छोड़कर आनंदी के घर रहने चले गए। आनंदी, पापा जी, बुआ जी कहाँ गए? वो तो चले गए, अभी अभी उन्हें बाहर छोड़ के आ रही हूँ। क्या बात है, तू ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ काम था उनसे? नहीं, वो बुआ आस्था जाग गई थी ना, तो मैंने सोचा कि वो जरा अपने दादाजी के साथ खेल ले। पापा जी को कभी मौका नहीं मिलता ना ऐसे गोद में लेने का, बस इसलिए। सिमरन, तू झूठ नहीं बोल सकती, बता ना बेटा, आनंदी और उसके फादर से क्या काम था तुझे, क्या बोलना था उन्हें? वो जी, मामी जी का फोन आया था अभी। ओह नो, फिर तो जरूर जली कटी सुनाई होगी तुम्हें। आई डोंट केयर बुआ जी, लेकिन आज मामी जी की बातों से एक सच्चाई पता चल गई मुझे। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मैंने आपसे कहा था ना कि अभी ने मुझे SMS किया था कि मेरी वजह से उसका परिवार टूटा है, मेरी वजह से पापा जी ने अपना घर छोड़ दिया। क्या? हाँ बुआ जी, पापा जी अब अपने घर नहीं, आनंदी के घर रह रहे। आई डोंट बिलीव दिस। सिमरन, मैं बहुत हैरान हूँ कि एक की फैमिली के लोग कितने अलग हो सकते हैं। आनंदी और उसके फादर तुम्हारे दर्द सिर्फ समझ नहीं सकते हैं बल्कि उसे महसूस भी कर रहे हैं, और वो अभिमन्यु, अरे उसका नेचर और टेम्परमेंट तो बिल्कुल अपनी मदर पे गया है। एब्सोल्युटली सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। सिमरन, मैं तुमसे फिर कह रही हूं, इट्स हाई टाइम यू गिव दैट मैन एन अल्टीमेटम। इनफ इज इनफ। पापा, मुझसे भाभी की हालत नहीं देखी जाती, अभी ने उनके साथ, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। बेटा, किसी के गलत कामों की सजा उस बेचारी को भुगतनी पड़ रही है। सजा तो आप दे रहे हैं मामा को, उन्हें अकेला छोड़कर। वाह बेटा वाह, अपने बाप पर इल्जाम लगाने से पहले अपने बाप के सवाल का जवाब जरूर देना। तुम किस बात की सजा दे रहे हो सिमरन को? मैं गया था उसके पास पापा, मैंने उसे कहा था कि मैं उसके पास वापस जाने के लिए तैयार हूँ। बेशर्ते कि वो तुम्हारे और किरण के गंदे रिश्ते को स्वीकार करे। अरे तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी शर्म या हया बाकी बची है या नहीं? मैं आपका यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि आप मामा के पास वापस चले जाइए। एक तो आप इतना रूडली बात करते हैं उनके साथ फोन पर, वो अकेली बैठी हुई रो रही है घर पे। रोना ही चाहिए, जो गलतियां तुम्हारी माँ ने की हैं उसके लिए उसे रोना ही चाहिए। और तुम जो यहाँ खड़े होकर मुझे हुक्म सुना रहे हो घर वापस जाने का, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस हक से ये हुक्म सुना रहे हो? बेटा, कहते हैं जब बेटे का कद बाप से ऊंचा हो जाता है ना, तो बाप बेटे में दोस्ती का रिश्ता हो जाता है, क्योंकि बेटा बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करने के काबिल हो जाता है। लेकिन जब बाप को बेटे की आंखों में बेशर्मी नजर आए, तो उस शरीफ बाप की सिर्फ नजरें ही नहीं झुक जाती, उसका सिर भी झुक जाता है। देखिए आप, लेक्चर मुझे। पापा लेक्चर नहीं दे रहे हैं, समझा रहे तुझे कि जिंदगी के फैसले सोच समझ कर कर। भाभी से शादी का डिसीजन तेरा ही था ना, तो क्यों नहीं निभा पा रहे उसे? ये कौन से नए रिश्ते और फैसलों के जाल में उलझा जा रहा तू? अभी कब तक इंतजार करें हम, और कब तक इंतजार करेंगे भाभी? You guys are hopeless. अभी मेरे कैबिन की सफाई कौन करता है? भेजिए।
मैडम आपने बुलाया मुझे? मेरे कैबिन की सफाई आप करते हैं? जी। इसे सफाई कहते हैं? मैडम मैं अभी कर देता हूँ। वो तो मैं भी करवा लूंगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी कब याद आएगी? यहाँ मैंने एक केस स्टडी की फाइल रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी। कहाँ है वो? मैडम यहाँ कोई फाइल नहीं थी। आपने देखी नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ गई वो फाइल? Where the hell is it gone? सॉरी मैडम मुझे नहीं मालूम। एनी प्रॉब्लम्स? यस मानस, दो दिन मैं हॉस्पिटल नहीं आई हूँ, हालत देखो मेरी कैबिन की। जरा ध्यान दिया करो सफाई में। ठीक है जाओ, जरा दो ग्लास पानी और दो कॉफी लेके आओ। ये इस फाइल को लेके तो नहीं परेशान हो रही हो? दो दिन पहले जब तुम राउंड में निकली थी तब मेरे कमरे में तुम इस फाइल को भूल गई। मैं खामखा उस पियून पर इतना चलाई हूँ। I feel so stupid. क्या बात क्या? वैसे मैं मतलब पूछ सकता हूँ कि आज मूड इतना little disturbed, Manas. क्यों? अभी के पेरेंट्स के बीच मुझे लेकर झगड़ा हो गया और वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। पापा जी आनंदी के घर और आज मम्मी जी ने मुझे फोन करके बहुत सारी बातें सुनाई। छोड़ो सिमरन, तुम भी कहाँ ये सब सास ननद के झमेले में फंसी रहती हो। हाँ ये बात की अब अभिमन्यु के पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, वो भी इस उम्र में, ये तो परेशानी की बात है। किसी को समझाना चाहिए अभिमन्यु के फादर को कि वो लौट आए। वैसी बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं एंड आई एम श्योर सारी टेंशन में आनंदी की जो सिचुएशन है अभी उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। या अभी भी काफी परेशान हुआ होगा। I'm really sorry. Coffee? Please, please don't be so tense. जो है तो नजर तो आएगी ना। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती हूँ, फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब प्लीज तुम मुझे टेंशन देना बंद करो। डांटते क्यों? अभी तुमने कोई फैसला, अब क्या होगा तुम्हारे और सिमरन के बीच? Can we please drop the topic for a while? Fine. Thank you. Coffee? और हाँ पहले ये लो, और तुमने अमीशा की फोटोग्राफ्स को देखी? She is looking absolutely hot. Thanks to you, Mani Saxena. She's good. She's absolutely looking good. Really good. अच्छा अब सिर्फ टीनेज प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, ये बड़े प्रोडक्ट्स के लिए भी तैयार हो गई लगती है। Oh, good. पर अभी जिन फोटोग्राफ्स को हम दोनों देख के इतने खुश हो रहे हैं, जस्ट इमेजिन अमीशा की डॉक्टर मॉम और उसकी सिमरन आंटी का क्या रिएक्शन होगा? पसंद तो नहीं आएंगे उनको ये फोटोग्राफ्स। हाय, मे आई कम इन? वेल, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू गाइस। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट तुम्हारी फोटोग्राफ्स आई हैं। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आई एम लुकिंग सो डिफरेंट and grown up. You know Kiran, us din jab shoot tha and you were not there, you wouldn't believe it, Abhimanyu was so tense. Par ek acha professional hamesha acha kaam hi karega, tense or not tense, and Abhimanyu is the best. He sure is the best. You are the best. Abhimanyu, don't mind, okay? Par us din main ek agency mein gayi thi to maine kuch logo ko baatein karte hue suna कि इस इंडस्ट्री में बेस्ट प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर का क्राइटेरिया मिरेकल टेक्सटाइल्स के कैलेंडर के लिए शूट करना है। या यू आर राइट, बहुत प्रेस्टीजियस असाइनमेंट है वो। इनफैक्ट इंडस्ट्री के सारे फोटोग्राफर्स का सपना होता है कि एक बार मिरेकल टेक्सटाइल्स का कैलेंडर वो शूट कर सके।
तो तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं की अपने सपने को पाने की? I don't know, शायद थोड़ी बहुत मेरी ईगो, थोड़ा बहुत मेरा अपना डर कि मुझे मनाना कर दे। यार इंडस्ट्री के सारे बड़े फोटोग्राफर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, मुझ पर तो नजर भी नहीं पड़ेगी उनकी। अमिशा लिसन, I'll do this, मैं तुम्हें मार्क करके दे देता हूँ कौन कौन से फोटोग्राफ्स के बाद में। भाभी, what a pleasant surprise! पापा, देखिए कौन आया है। बहू, आइए मैम। खुश रहो बेटा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जानती हूँ बाबा जी, आजकल जो बातें हो रही हैं आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन बाबा जी हमारा पूरा परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है, और ये वक्त हमारा मुश्किलें बढ़ाने का नहीं, एक दूसरे को समझाने का वक्त है। पापा जी, अभी को आप जैसे एक ठहरे हुए मैच्योर्ड इंसान के सपोर्ट की जरूरत है। जो गलतियां अभी कर रहे हैं, अगर आप ही उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो उन गलतियों को सुधारने में अभी की मदद कौन करेगा पापा जी? प्लीज पापा जी, घर चलिए, अभी को आपकी जरूरत है। देखा आनंदी, अपनी भाभी को तेरे भाई ने इसे इतना सताया, लेकिन आज भी उसके भले के बारे में सोच रही है। सिमरन, अगर मैं उस घर में वापस जाऊंगा तो उसका कारण होगा मुझे तुम्हारा ये समझाना। हालांकि आज भी मैं अभी और तुम्हारी सास को लेकर गुस्से में, और उन पर मेरा विश्वास है ना के बराबर, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जाने से उस घर में कुछ सुधार हो सकता है, तो मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करके बेटा आज ही वहां चला जाऊंगा। आज नहीं पापा जी, अभी। नो मिस्टर राजन, दैट्स माय डिसीजन। मे आई कम इन? I'll call you back. Yes, please come in. Hi, I'm Kiran Kapoor. Hi. Thanks for giving me an appointment at such short notice. It's my pleasure. Please sit down. Thank you. वैसे अच्छा हुआ आपने हमसे अपॉइंटमेंट मांगी, वरना हम आपको फोन करने ही वाले थे। Oh really? पर मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आप मुझे अच्छी लगती हैं। I'm flattered. पर मिस्टर शोरी, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी या हूँ? Of course, why not? कहिए ना, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मेरे बारे में जरूर जानते होंगे कि मैं मॉडलिंग के साथ साथ फोटोग्राफर अभिमन्यु सक्सेना को असिस्ट भी कर रही हूँ, एंड वी आर अ ग्रेट टीम। क्यों ना आप हमें कंसिडर करें अपने एनुअल कैलेंडर के लिए? Well, हमने आपको एज ए मॉडल तो कंसिडर किया ही है। थैंक यू। पर मिस्टर शौरी, शायद आप जानते नहीं, मैं अभिमन्यु सक्सेना के सिवाय किसी दूसरे फोटोग्राफर के लिए मॉडल नहीं करती। मिस किरण कपूर, मुझे आपकी ये अग्रेसिव अप्रोच काफी अच्छी लग रही है। अग्रेसिव की जगह पर्सुएसिव कहें तो? आपके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है और हमें आपकी बात पर विश्वास भी है। अगर आप कहती हैं कि अभिमन्यु सक्सेना कैन हैंडल वन एनुअल कैलेंडर, इट्स ओके। पर मिस किरण कपूर, इस दुनिया में हर काम के लिए एक गिव एंड टेक। मिस्टर शौरी, अगर हमें भी अपने काम करवाने हैं तो इतनी समझ हमें भी है कि गिव एंड टेक का रूल हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या मैं समझूं कि हमें अपने अगले साल के कैलेंडर के लिए चेहरा मिल गया? ऑफ कोर्स, चेहरा भी, और इस चेहरे को कैमरे में उतारने वाला भी। बट मिस्टर शौरी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना को ये पता नहीं लगने देंगे कि मैं आपसे मिली थी। आई मीन द ऑफिस शुड कम टू हिम, मुझे नहीं। एज यू से, पर आप हमारा गिव एंड टेक वाला क्लॉज मत भूलिएगा।
मुझे भूलने की आदत नहीं है. एनीवे, इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू. सेम हियर, द प्लेजर हैज बीन एंटायरली माइन. Excuse me. I'm sorry. Bye. Bye-bye. अब तुम जाओ बेटा. नहीं पापा जी, पहले आप अंदर जाइए, फिर ही जाऊंगी मैं. आप आ गए. मैं जानती थी आप नहीं रह पाएंगे मेरे बिना, इस घर के बिना. पानी लीजिए ना, फिर मैं मेज पे खाना लगाती हूँ, मिलकर खाएंगे. तुम खा लो, क्योंकि बहू की बातों से मेरा पेट भर गया है. हे भगवान, अब उसने आपको क्या कह दिया? आपको भी नहीं बख्शा? मेरे और अभी के पीछे तो पड़ी ही है, पूरा घर तबाह करके रख दिया उसने. अब उसकी इतनी हिम्मत की आपको भी? हाँ, हिम्मत किया उसने मुझे समझाने की, हिम्मत किया उसने मुझे ये कहने की कि मुझे अपने घर से दूर नहीं रहना चाहिए, हिम्मत किया उसने मुझे ये कहने की कि इस उम्र में मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं. मैं तो कहूंगा कि इस घर के नसीब ही बुरे हैं, और सबसे बड़ी बदनसीब हो तुम, जो सिमरन जैसी बहू को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए. और रही बात तुम्हारे बेटे की किस्मत की, वो तो खुद अपने ही हाथों से उसे आग लगा रहा है, और तुम उस आग को हवा दे रही. सो मिल गई शांति, कराई अपनी ड्यूटी पूरी. मैं जी नहीं पाती मानस, इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाती कि मेरी वजह से मम्मी जी और पापा जी में अनबन हुई. ये अच्छा है सिमरन कि तुम दूसरों की जिंदगियों को संवारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेती हो. बट आई थिंक इट्स हाई टाइम तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करो. एक क्लियर व्यू रखना पड़ेगा तुम्हें अपने आने वाली जिंदगी को लेकर. कोई और तुम्हारे फैसले नहीं करने वाला. हर आदमी सिमरन माथुर होता नहीं, होना चाहता भी नहीं, जो ठीक है. सो खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में. एनीवे, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड. चलो चलता हूँ, आज तो पेरेंट्स का विजिटिंग डे है, और बच्चों से ज्यादा हमेशा माएं मुझे पेशेंस नजर आ रही. काम पे लगे. सी यू. सी यू. हेलो, क्या आप अभिमन्यु सक्सेना हैं? मिस्टर शोरी, ओके, ही इज द एमडी ऑफ मिरेकल टेक्सटाइल्स, राइट? या हेलो सर. सर, आई फील ऑनर्ड आपने मुझे कंसीडर किया है अपने एनुअल कैलेंडर के लिए. दिस इज ग्रेट. हाँ, आप मुझे कहिए, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ. जी, या दैट वुड बी फाइन. या थैंक यू सर. बाय. किरण, 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 किरण कमाल हो गया. मिरेकल टेक्सटाइल्स के एमडी का फोन था, मिस्टर शोरी का. वो मुझे कंसीडर कर रहे हैं अपने एनुअल कैलेंडर के लिए. ओह माय गॉड, जस्ट मेड इट. दिस इज व्हाट अ मिरेकल इज. आई कैन. और अभी
पता ये सब क्यों हो रहा है? हमारा प्यार हमेशा अच्छी किस्मत बनके हमारे सामने आया है. From the award night to Miracle Textiles contract. You're right, actually. Yeah, I am. You are. I am. तुम्हारा क्या फैसला है अभी सिमरन?